NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों ये हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास 6 है और इसमें हम जानेंगे वर्कशॉप क्या होती है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम और उसके बाद में हम रिसर्च डेजिटेशन। तो काफ़ी तरह के टॉपिक इसमें हम करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड आज तक एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं और आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये क्लास काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में एक ही वीडियो में थ्योरी प्लस PYQ करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। इसमें हम 2012 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हमारा रिसर्च पेपर डिजाइन की बात करते हैं, जो हमारा रिसर्च पेपर है वो कैसे लिखा जाता है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रिसर्च पेपर क्या होता है? शैक्षणिक प्रकाशन की एक विधि है। इसमें किसी शोध पत्रिका या जर्नल में लेख प्रकाशित किया जाता है, या फिर कोई हो सकती है हमारी कॉन्फ्रेंस हो उसमें भी हम अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। और रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए हमें मुख्य रूप से दो तीन चीज़ें उस पर ध्यान देना जरूरी है। शोध पत्र में मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक पे प्रस्तावना होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन हम अपनी रिसर्च पेपर में देते हैं। उसके बाद में विषय वस्तु होती है, मुख्य अंग होता है नंबर दो पे। जो हमारी विषय वस्तु वही हमारी जो रिसर्च पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेथोलॉजी हमने लगाई है, क्या सैंपल हमने इकट्ठे किए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें देते हैं। प्लस में इसमें हम लिटरेचर रिव्यू भी देते हैं। उसके बाद में शोध के प्रमुख निष्कर्ष, जैसे हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, डेटा कलेक्शन करने के बाद एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस, और उसके बाद में सबसे लास्ट में शोध के प्रमुख निष्कर्ष, कंक्लूजन और रिजल्ट इसमें हम बताते हैं। तो ये तीन मुख्य रूप से इसके अंदर पार्ट है रिसर्च पेपर के, और यही चीज़ इसमें लिखी गई है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारी कार्यशाला या फिर वर्कशॉप जिसको हम कहते हैं, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है वर्कशॉप या फिर कार्यशाला, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखें। यहाँ पे मतलब 5-10 लोग आ गए वहाँ पे किसी चीज़ को वो करके देख रहे हैं, वो अपने ज्ञान एवं अनुभव द्वारा चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ITI की वर्कशॉप होती है, पॉलिटिक्स में होता है, उसमें होता है, वो क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक में और BTech के अंदर, वहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें करवा के दिखाई जाती है हमें। और ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी ही बताए। अभी जस्ट मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें पता है क्या कहा गया था कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है तो मेडिकल के स्टूडेंट को कैसे स्टडी करवाई जाती है, वहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट को लाइव जहाँ पे पेशेंट होते हैं उनका जो ऑपरेशन होता है ऑपरेशन उनको दिखाया जाता है, उनसे ऑपरेशन करवाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब वो स्टडी करते हैं तो उनको केवल थ्योरेटिकली स्टडी करवाई जाती है, उनको साइट पे नहीं ले जाया जाता। जहां पे मकान बन रहा होता है वहां पे बहुत कम, ना के बराबर उनको ले जाया जाता है। ये मैं अभी जस्ट देख रहा था वीडियो, तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपको देने के लिए। तो वर्कशॉप का मतलब ये है जहां पे हम जाके खुद अपने हाथों से हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले और खुद चीजें करके देखे, तो वहां पे होगा हमारा कार्यशाला या वर्कशॉप होगा।
और इसमें जितने भी प्रतिभागी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लेते हैं इस चीज़ के अंदर। यही चीज़ इसमें है, विभिन्न संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना होता है इसके अंदर, विभिन्न उद्देश्यों विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण करना होता है। तो यही चीज़ है दोस्तों जो हमने पढ़ी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेमिनार की बात करते हैं या संगोष्ठी की बात करते हैं। संगोष्ठी भी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पे होती है। देखो दो चीज़ें यहाँ पे, एक होती है हमारी संगोष्ठी जिसको हम बोलते हैं सेमिनार, एक होता है कॉन्फ्रेंस। अब दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। संगोष्ठी छोटे लेवल पे होती है और जो कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस बड़े लेवल पे की जाती है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, देखिए जो हमारी संगोष्ठी है इसमें हम क्या करते हैं, संगोष्ठी अधिक सीमित व औपचारिक प्रकृति की होती है। संगोष्ठी संगोष्ठी के अंदर जो लोग होंगे वो लिमिटेड लोग होंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, संगोष्ठी के अंदर जैसे 20-30 लोग इकट्ठे होंगे, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है हम उसको सुन सकते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो औपचारिक होता है, ज़्यादा मतलब उसमें हम इंट्रैक्शन हमारा वो ज़्यादा होता है। जबकि सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये अधिक विस्तृत होता है और अनौपचारिक प्रकृति का होता है। सम्मेलन की बात करें तो जैसे सम्मेलन वो हो गया ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, वहां पे हजारों लोग आए हुए हैं, रैली है कहीं पे, तो वहां पे अगर रैली पे कोई आदमी रैली में माइक पे कोई आदमी बोल रहा है और पीछे लास्ट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको दिखेगा नहीं, लास्ट में जो आदमी बैठा है हजारों की संख्या में वो क्या कर रहा है, उसकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो उसको ये पता नहीं चलेगा। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों कि जो सेमिनार है सेमिनार छोटे लेवल पे किया जाता है और इसमें औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, जबकि हमारा जो सम्मेलन है सम्मेलन बड़े लेवल पे किया जाता है और उसमें हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर सकते। तो सेमिनार हमारी हो सकती है लघु विचार गोष्ठी हो सकती है, मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी या फिर अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी हो सकती है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस की मैंने अभी आपको बताया इसमें हम बड़े लेवल पे चीज़ें करते हैं और इसके अंदर अपनी सूचनाओं का और अनुभव का भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो हमने हमारे पास ज्ञान है, और इसमें भाषणबाजी भी होती है। आपने देखा है ना रैलियाँ जब होती तो लोग भाषण देते हैं, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कहते हैं। और ये सेमिनार की तुलना में सम्मेलन सभा कम औपचारिक होती है, ठीक है, इसमें औपचारिकता बहुत कम होती है इसमें। और इसमें अभी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आने पे आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सिंपोजियम की बात करते हैं। सिंपोजियम में क्या होता है, जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना हो तो ऐसे सभी व्यक्तियों को आपस में बैठकर उस विषय पर वार्तालाप करना होता है। सिंपोजियम का एक सिंपल सा उदाहरण दूं आपको, पंचायत है ना, पंचायत जब होती है तो पंचायत क्यों बुलाई जाती है, गांव के अंदर कोई मुद्दा हो गया और उसका समाधान सभी गाँव के लोगों को इकट्ठा मिल के लेना होता है। कोई मतलब गलत चीज़ होगी, खेतों में जो पशु है वो घुस के पूरी फसल खराब कर रहे हैं, उन पर क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, तो पूरे गांव के लोग बैठते हैं, जो सरपंच है पंच है वो सभी लोग बैठ के उस समस्या का एक निर्णय निकालते, उसका समाधान करते, सभी लोग एक साथ मिलके उसका समाधान करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपोजियम बोलते हैं। और केवल ये पंचायत तक सीमित नहीं है, ये हमारे स्कूल में भी हो सकता है, कहीं पे भी बिजनेस में भी हो सकता है, किसी भी जगह पे ये हो सकता है जहां पे हमें सामूहिक निर्णय लेना हो, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों शोध प्रबंध लेखन या फिर थीसिस राइटिंग, रिसर्च डेजर्टेशन या फिर थीसिस राइटिंग। इसके अंदर देखिए जो हम डेजर्टेशन रिसर्च डेजर्टेशन या थीसिस राइटिंग क्या होता है, जब हम पीएचडी करते हैं एमफिल करते हैं या फिर आपने उसमें भी देखा है मास्टर डिग्री में सर बोलते हैं हमें कि आपको रिसर्च डेजर्टेशन लिखनी है, शोध प्रबंध तैयार करना है, तो उसके स्टेप हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए सबसे पहला इसका तीन चीज़ें होती है थीसिस राइटिंग में या फिर डेजर्टेशन राइटिंग में, एक होता है फ्रंट मैटर और एक होती है मेन बॉडी और तीसरी होती है हमारा एंड मैटर। अब इन तीनों में क्या होता है ये जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए फ्रंट मैटर में क्या होगा, जो हमारी डेजर्टेशन मतलब एक बुक की टाइप होती है, तो उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, फ्रंट मैटर में टाइटल पेज होगा हमारा,
उसके टाइटल पेज स्टार्टिंग में हमारे रिसर्च का जो टाइटल है वो किसके साथ रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, हमारा एनरोलमेंट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, हमारी जो शोध है शोध का सारांश उसमें दिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट उसमें लिखते हैं भाई इस रिसर्च में मुझे किन किन लोगों ने सहयोग दिया और कैसे कैसे मैंने रिसर्च की, क्या मेरे को कठिनाइयाँ आई, वो लिखते हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट देते हैं, भाई हमारी जो डिसर्टेशन है उसमें कौन कौन से चैप्टर बने हुए हैं, कहाँ पर कौन सी फोटो लगी हुई है, टेबल कितनी है, ग्राफ कितने, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें देते हैं। अभी देखो लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल, ये आ गया ना उसके अंदर लिस्ट ऑफ फिगर, जितनी भी फिगर हमने यूज किए उनकी लिस्ट देते हैं, जो टेबल हमने रखी है उनकी लिस्ट देते हैं इसमें। फिर है मेन बॉडी, मेन बॉडी में हम करते हैं इंट्रोडक्शन, फिर शुरू हो जाता है अपना चैप्टराइजेशन शुरू हो जाती है, उसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में बताते हैं, फिर मटेरियल एंड प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। अब देखिए मेन बॉडी के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। अब वो कहेंगे कि चैप्टर वन में आपको इंट्रोडक्शन देना है, चैप्टर टू में आपको ROL लगाना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताना है, चैप्टर थ्री के अंदर आपको रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में बताना है, और अगले में हो सकता है आपको डेटा कलेक्शन करना है। ये देखो मटेरियल एंड प्रोसीजर, ये देखो मटेरियल एंड प्रोसीजर का मतलब है डेटा कलेक्शन, इसको हम कह सकते हैं। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर डेटा एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद रिजल्ट आएगा डेटा एनालिसिस के बाद, हमारी जो रिसर्च की उसका क्या रिजल्ट निकला है। फिर फाइंडिंग, क्या क्या मेन चीज़ें हमने निकाली है हमारी रिसर्च के अंदर, क्या फाइंडिंग्स हमें मिली है। फिर कंक्लूजन करते हैं हम अपने रिसर्च का, फिर रिकमेंडेशन देते हैं, भाई हमने जो रिसर्च की है इससे लोगों को ये फ़ायदा होगा और आने वाले रिसर्च हमारे रिसर्चर हमारी शोध से ये फ़ायदा उठा सकते हैं, वो रिकमेंड करते हैं इसमें। फिर होता है लास्ट में एंड मैटर, एंड मैटर के अंदर हम विवियोग्राफी एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंस, जहाँ जहाँ से हमने अपने शोध के लिए कंटेंट इकट्ठा किया है तो उन सभी का रेफरेंस इसके अंदर देते हैं हम, विवियोग्राफी हम देते हैं। फिर है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब ये है कि जो भी हमने रिसर्च किए उसमें क्या क्वेश्चनायर हमने लिए हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे, कहाँ कहाँ से हमने डेटा कलेक्शन किया है तो वो भी हम इसके अंदर जानकारी दे सकते हैं, और जो कीवर्ड्स है, जो ग्लोसरी है और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम उसमें दे सकते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है दोस्तों हमारे थीसिस राइटिंग और डिसर्टेशन में जी। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं उस सभी क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। देखिए वर्कशॉप में क्या होता है दोस्तों, इसमें इसमें हम क्या करते हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं हम किसी चीज़ में, खुद उसमें हिस्सा लेते हैं, डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं हम, अपने हाथों के द्वारा चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। वर्कशॉप का मतलब ये है, ठीक है। फिर है सेमिनार क्या है, स्पेशल फॉर एजुकेशनल या फिर एकेडमिक पर्पज़ के लिए होती है, इसमें लेक्चर और प्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे स्कूल में कोई टीचर आ गया, वो हमें कोई नई चीज़ बता रहा है, वहाँ पर सभी बच्चे आराम से बैठ के सुन रहे हैं, सभी का ध्यान उसकी तरफ होता है, ये स्पेशली एजुकेशनल और एकेडमिक पर्पज़ से की जाती है। फिर कॉन्फ्रेंसिंग में हम क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करते हैं, आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब जैसे नरेंद्र मोदी आएंगे, वो कहेंगे भाइयों बहनों आज मैं आपको ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ, भाइयों बहनों आज मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आया, यहाँ पे इतना सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग की, भाइयों बहनों पहले देश में क्या होता था अब देश में क्या हो रहा है, मतलब कि क्रिटिसाइज किया जाता है इसमें। तो ये चीज़ें कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती है, कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं जी। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, आर यू रेडी, क्या तैयार है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा है इतनी देर में, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ इससे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन हमारे बहुत है, 2012 से लेकर 23 तक हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्कशॉप किसके लिए की जाती है, तो इसमें हम देखते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर डी दिया इसने, ए ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर ए स्मॉल ग्रुप इम्फाजिस द डेवलपमेंट ऑफ स्किल, ये देखो ये लिखा हुआ ना, डेवलपमेंट ऑफ स्किल और टेक्निकली
फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि हम अपने स्किल को डेवलप करते हैं और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखो ये क्या है, व्हेन ए एकेडमिशियन आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर और प्रेजेंटेशन। अब किसी शिक्षाविद को व्याख्यान देने के लिए वहाँ पे बुलाया गया है, लेक्चर और प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया है, टू एन ऑडियंस और सर्टेन टॉपिक और ए सेट ऑफ टॉपिक ऑफ एजुकेशनल नेचर। एजुकेशनल नेचर पे हमें कोई लेक्चर और प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाए तो वहाँ पे क्या होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना जी। यहाँ पे आंसर दिखा रखा है मैंने आपको, वहाँ पे होगा हमारा बी, सेमिनार होगा हमारा, ठीक है, वहां पे क्या होगा हमारा सेमिनार होगा जी। और अभी हम कीवर्ड पढ़ के आए ना, ये देखो ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखो सेमिनार, सेमिनार में क्या है, स्पेशल फॉर एजुकेशन और एकेडमिक, लेक्चर और प्रेजेंटेशन, ये होगा हमारा राइट आंसर इसका। तो इस तरह से दोस्तों छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को देख के आप बिल्कुल आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ये देखो अब आ गया रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर में क्या होता है, ये देखो कंटेन्स पीयर रिव्यू और ओरिजिनल रिसर्च और इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च कंडक्ट बाय अदर। रिसर्च पेपर में हम क्या करते हैं लोगों ने जो शोध कर रखी है पहले उसको हम देखते हैं, लोगों ने क्या काम किया है और उन्होंने कहाँ पे कमियां छोड़ी और उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारा जो भी काम होता है ओरिजिनल रिसर्च होती है, ऐसे नहीं है कि पहले पहले जो कर दिया वही हम बार 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 चीजें रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा उसमें नहीं होता। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखो क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ गई ना, ये देखो ये देखो देखो ये देखो पोटेंशियल फॉर नर्चिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की बात किस में करते हैं, अभी मैंने बताया था नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो वो किसके अंदर होता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं आंसर। ये देखिए ए वर्कशॉप इज मेंट फॉर, वर्कशॉप किसके लिए की जाती है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो देखा कितना आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये देखिए ये क्वेश्चन हमने बहुत क्वेश्चन यहाँ पे बना रखे हैं, और अगर आपको इन ये क्वेश्चन चाहिए और ये स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन और पूरा कोर्स आपको मिलेगा, उसमें एड फ्री वीडियोस मिलेंगी आपको, 2012 से 22 23 तक आगे जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर मिलेंगे, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। और इसमें मैं बताऊँ आपको बहुत से क्वेश्चन है भाई इसमें, ये देखो चैप्टर स्कीम, ये देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट चैप्टर स्कीम ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी फॉर्मली अप्रूव्ड बाय रिसर्चर डिग्री और कमिटी इन द यूनिवर्सिटी। मैंने बताया था ना चैप्टर स्कीम हम किस में इंक्लूड करते हैं, थीसिस और डेजर्टेशन में। मैंने बताया था ना अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो कहते हैं भाई पहले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन डालना है, दूसरे में आपको आरओएल डालना है, तीसरे में आपको मेथोलॉजी डालनी है। तो हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग वो मतलब हो सकता है, फॉर्मेट अलग हो सकता है। तो चैप्टर स्कीम किस में यूज़ करते हैं हम, थीसिस और डेजर्टेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है देखिए, ये 2013 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो ये आप करके देख लेना भाई। सभी क्वेश्चन एक क्लास में करवा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको कंप्लीट स्टडी चाहिए, अच्छे से स्टडी करनी है, तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना निमिजनेट, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे जी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है दोस्तों, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या हमें ऐसे ही आगे और भी क्लास लेनी चाहिए, ऐसे वीडियो में बनाऊं, कंप्लीट कोर्स बना दूं आपके लिए फ्री में जी, तो आपके जो भी विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीस नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं,
मिलेगी। हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर 7 पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।